पिछली बार हालात मेरे साथ नहीं थे, ये समाज भी मेरे साथ नहीं था, सभी के सभी मेरे जोक्स पे हंसते थे। इस बार मैं वो जोकर नहीं हूँ। अबकी बार मोदी सर नहीं, अबकी बार बैटमैन भी मुझसे डर के रहेगा, वो मुझसे दो कदम पीछे रहेगा। कान खोल के सुन लो। अभी मेरी एंट्री हुई कहाँ पे है जो मैं तुझसे डरूंगा? डरना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ क्राइम नहीं करूंगा, मैं उससे भी ज्यादा संगीन कारनामा को अंजाम दूंगा, समझे क्या? जिस हिसाब से ये टीजर ट्रेलर रिलीज किया गया है, लग रहा है कि ये भी ऑस्कर जीतेगा। अबे तुम लोग ऑस्कर जीतो, हम क्या जीतेंगे? बबल जी का ठुल्लू। हाँ साला, इनको कैसे ऑस्कर मिल जाता है? बॉलीवुड वालों को अब तक नहीं मिला। ये ऐसी कौन सी एक्टिंग करते जो बॉलीवुड वाले नहीं कर पाते? जो एक्टिंग करते समय एक्टिंग करता है ना, वो कभी अच्छा एक्टर नहीं बनता। और जो एक्टिंग करते समय एक्टिंग को भूल जाता है, असली एक्टर वही होता है। क्या बात कर रहे हो? ऐसी बात पे मेरी बड़े मियाँ छोटे मियाँ उसे भी देख लो, उसमें एक्टिंग एक्शन सब है। वो नूरा फतेह अली खान भी है क्या? नहीं नहीं, वो नहीं है। वो तो देखेंगे भाई, लेकिन अभी जोकर के टीजर के बारे में बात करो। इसके सिनेमाटोग्राफी देखकर तो मैं दंग रह गया। ये हॉलीवुड वाले ऐसे कर कैसे लेते भाई? बात तो सही है, इसका हर एक सीन में फ्रेम लगा के अपने पास रख सकता हूँ। इस फिल्म को पूरी डिटेल से शूट किया गया है। ये मैंने हेरा फेरी में जोकर का रोल किया था रे बाबा, और मेरे को मालूम है जोकर का रोल करना आसान नहीं है रे बाबा। तो इस बार जोकर अकेला नहीं है, उसके लाइक में लाइफ पार्टनर भी आई है, जिससे फिल्म देखने में और भी मजा आएगा। जोकर के लिए जोकरिन भी है। मेरा असली निशाना बैटमैन है, उसे मार कर ही मैं दम लूंगा और गौतम सिटी में राज करूंगा। लगता है तूने क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन नहीं देखी, उसमें मैंने तेरे को मार भी दिया, तेरे को उल्टा लटका दिया था वहां पे मैंने। वो जोकर अलग था, ये जोकर अलग है। इस जोकर की बात अलग है, इसकी कहानी मैंने लिखी है, इसका क्लाइमेक्स मैंने लिखा है, और इस कहानी में बैटमैन हारता हुआ नजर आ रहा है मुझे। वैसे इस पार्ट में बैटमैन की एंट्री होने वाली है या नहीं, इसके बारे में कोई सूत्रों से पता चला है क्या? पता नहीं, मुझे तो साला शूटिंग में बुलाया भी नहीं, इन लोगों ने सिर्फ जोकर को भाव दिया, साला बैटमैन को कोई भाव नहीं दे रहा है। इस फिल्म का हीरो भी मैं हूँ, विलन भी मैं हूँ, इस फिल्म का जोकर भी मैं हूँ, बैटमैन भी मैं हूँ। टीजर ट्रेलर को जितनी बार देखो कम है, साला बोर ही नहीं होता। दोस्तों अगर आपने देखा है तो बताइए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको, अपना रिव्यू दीजिए, हम तो देते ही रहते। और अगला टॉपिक बताइए, BMCM की बातें करते हो, मेरी फिल्म है, मैं अपनी फिल्म के बारे में बात नहीं करूंगा, तो किसके फिल्म के बारे में बात करूंगा।